नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ इसके सिंपल फूड में। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो दोस्तों, आपके ही प्यार सहयोग के कारण यहाँ तक आई हूँ, चाहती हूँ आप अपना प्यार सहयोग बना के रखें। तो आज हम चलते हैं भदोही ज़िले में, एक मंदिर है सीता जी की, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी और वहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो आज हमने अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। तो हम लोग जा रहे हैं भदोही ज़िला, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में है, और आप जंगी बाज़ार जो है वहाँ से 14 से 15 किलोमीटर दूरी पे है जंगी बाज़ार से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, मैं बाहर से सीन दिखाऊंगी आपको। ये हनुमान जी की मूर्ति है, शायद विश्व में दूसरा या तीसरा स्थान है सबसे लंबी मूर्ति की, और ये 110 फीट लंबी है। तो पहले मैं जाऊंगी मंदिर, हनुमान मंदिर की तरफ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको सीतामढ़ी, जहाँ पे सीता जी ने समाधि ली थी। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं दोस्तों, सजी हुई हैं, वहाँ मॉर्निंग में ही दुकानें खुल जाती हैं, तो आप प्रसाद लेके वहाँ चढ़ा सकते हैं मंदिर में। लेकिन किसी कारणवश मंदिर में काम चल रहा था तो हम नहीं जा पाए अंदर की तरफ, तो मैंने बाहर से ही मूर्ति का लिया। अब हम चलते भदोही ज़िला, सॉरी सीतामढ़ी मंदिर। ये वो स्थान है जो पिक में दिखा रही हूँ मैं, जहाँ पर माता ने समाधि ली थी। तो ये सीतामढ़ी मंदिर है, और यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस चौकी भी है जो भदोही ज़िला में पड़ता है, ये सीतामढ़ी मंदिर। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सीनरी बनाई गई है, ये देखिए ऊपर शंकर भगवान है, और यहाँ पे बहता हुआ पानी भी दिख रहा है। तो यहाँ फूल पौधों से सजाया गया है इनको, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और इसके अंदर जब हम जा रहे हैं तो मैंने देखा अंदर शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ के आसपास के लोग आके पूजा करते हैं, या जो श्रद्धालु गए हैं वो भी पूजा करते हैं शिवलिंग की। तो ये देखिए शिवलिंग भी है अंदर। अब हम चलते हैं सीता माता के उस मंदिर में जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। तो दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद के चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से अंदर की तरफ प्रसाद लगाना मना है, चढ़ाना। तो बस हाथ जोड़ के, यहाँ देखिए दुकानें कितनी अच्छी लगी हुई हैं, प्यारे प्यारे सामान बिक रहे, खाने पीने के भी बहुत से सामान हैं। मैंने यहाँ से मिठाई वगैरह ली थी, नान खताई वगैरह, तो बहुत अच्छा है। सजाने का भी सामान है, और ये भी नान और पीतल के भी सामान बहुत अच्छे अच्छे मिले थे, पूजा के जो होते हैं बर्तन। तो आप आइए ज़रूर एक बार देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये जगह। देखिए कितनी सारी दुकानें हैं। नहीं, मैं भी नहीं पीती। तो इस पिक में मैं दिखा रही हूँ आपको, कहते हैं कि यहाँ पे माँ ने समाधि ली थी। और ये देखिए मंदिर में एंटर हो रहे हैं, यहाँ आम में आ गई हैं, छोटी छोटी आम आ गई हैं। देखिए बहुत अच्छा सीन लग रहा है, इस गर्मी में भी मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं कि यहाँ पहले नौका विहार भी होता था, लेकिन एक साल से बंद है, इस वजह से ये पानी थोड़ा गंदा सा हो गया है। ये देखिए ये रेस्टोरेंट भी है, लेकिन ये बंद है कोरोना की वजह से। दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, ये देखिए। तो अब इससे हम चलेंगे अंदर। तो ऊपर माँ का जो मूर्ति बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर है, कहते हैं कि माँ शांत थी, राम से बातें कर रही थी, तब का है ये मूर्ति। ये देखिए लोग फोटो ले रहे हैं माँ के पिक के साथ और मूर्ति के साथ। तो मुझे अच्छा लगा, ख़ास तौर से इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है चारों तरफ, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि आज ही बना है, बिल्कुल चमकता हुआ।
इस पर सभी उकेरा गया है जो उस समय घटनाएं हुई थी उन्हीं को दर्शाया गया इस पेंटिंग में। और ये देखिए, और अब हम चलते हैं सीढ़ियों से नीचे जहाँ सीता समाहित स्थल है। तो नीचे इनका वो रूप है जिसमें कहते हैं कि जब ये धरती में समा रही थी तो राम जी ने इन्हें रोकने की कोशिश की और उनके बाल पकड़ लिए तो उनके बाल खुल गए, वही रूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो दिखा रही हूँ मैं आपको, नीचे की तरफ ले चलती हूँ। वहाँ पे भी माँ की जो मूर्ति है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, खुले बालों में माँ इतनी सुंदर लग रही थी। मैं सोचती हूँ कि अगर उस टाइम होगा तो माँ कैसी लगती होंगी। ये देखिए उनकी मूर्ति है, ऊपर लिखा गया है श्लोक वगैरह। तो यही वो स्थान है जहाँ पे माँ ने समाधि ले ली थी। लोग इतना भीड़ कर रहे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ये देखिए उनका रूप, बाल खुले हुए। तो दोस्तों एक बार आइएगा ज़रूर। ये भदोही ज़िले में है, बनारस और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है और जंगीगंज बाज़ार जो है उससे 14 से 15 किलोमीटर दूर है। आप फ़ोटो ले लें, आइएगा ज़रूर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इस टाइम कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ बंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।